सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर सराउंडिंग हेवन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें ये फैन और उसके क्लासमेट्स नाइन ड्रैगन टॉम की वजह से एक दूसरे प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ एशियन लोग मिलते हैं जो कल्टिवेशन पाथ का यूज करते थे। फैन और उसके साथी ने भी जिंदा रहने के लिए कल्टिवेशन पाथ को ज्वाइन कर लिया था, ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। अब हम देखेंगे कि क्या वो अपनी दुनिया में जा पाते हैं या नहीं। इस कहानी की शुरुआत में हमें ड्रैगन पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी को बांधा हुआ था और उसकी बॉडी में कुछ रूट्स डाली हुई थी। वो रूट्स उस आदमी की सोल पावर को एजो करके इमोर्टल फर्नेस को ठीक कर रही थी, जिसकी वजह से उस आदमी को काफी तकलीफ हो रही थी और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, मगर मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे अभी जिंदा रहना है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। उस आदमी की सोल पावर की वजह से इमोर्टल फर्नेस का क्रेक एकदम ठीक हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। ये बात बताने के लिए एक गार्ड एमराल्ड एम्परर के पास जाता है और उसे बताता है कि 1,00,000 सेलेस्टियल को रिफाइन करने के बाद हमने इमोर्टल फर्नेस को ठीक कर लिया है। ये बात सुनकर एमराल्ड एम्परर खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि मोर्टिलिटी का पाथ बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, पर फिर भी मेरी डिवाइन डायनेस्टी कई जनरेशन से इमोर्टिलिटी को अचीव करने की कोशिश कर रही है और आज मेरा सपना पूरा हो गया। अचानक ड्रैगन पैलेस के अंदर गोल्डन फेदर आ जाते हैं और गार्ड्स पर अटैक कर देती है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो गोल्डन फेदर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनके टच होने से गार्ड डस्ट बनकर मर रहे थे। वो गोल्डन फेदर एमराल्ड एम्परर पर भी अटैक कर देती है, लेकिन एमराल्ड अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन फेदर्स को दूर कर देता है और खुद उन गोल्डन फेदर्स पर आकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से एमराल्ड एम्परर दूर जाकर गिरता है। तभी उन गोल्डन फेदर्स की मदद से रूथलेस एम्परर वहाँ आती है। एमराल्ड एम्परर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे इमोर्टल फर्नेस को लेने के लिए यहाँ आई हो। रूथलेस एम्परर कहती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आई हूँ। इससे एमराल्ड एम्परर को काफी गुस्सा आता है। वो अपने 10 आर्म्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्वॉर्ड्स से रूथलेस एम्परर पर अटैक कर देता है, पर रूथलेस एम्परर अपने फेदर की मदद से उसके अटैक को फेल कर देती है और उसकी स्वॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे गुस्सा होकर एमराल्ड एम्परर अपने जायंट स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन रूथलेस एम्परर बहुत आसानी से उस अटैक को रोक देती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से एमराल्ड एम्परर पहले से बाहर निकल जाता है। वो अपने 10,000 ड्रैगन टेक्निक की मदद से ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और उसे रूथलेस एम्परर पर अटैक कर देता है। रूथलेस एम्परर तेजी से आसमान में जाती है, ड्रैगन भी उसके पीछे आते हैं, पर वो उनके अटैक से बच जाती है और अपने एक पावरफुल अटैक से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। रूथलेस एम्परर एमराल्ड एम्परर पर भी अटैक कर देती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मार रही हो। रूथलेस एम्परर कहती है कि तुमने मेरे भाई को परेशान किया था, इसके लिए तुम्हें ये सजा मिल रही है। ये कहकर वो एमराल्ड एम्परर पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उस अटैक की वजह से ड्रैगन पैलेस भी बर्बाद हो जाता है। रूथलेस एम्परर को अपने बचपन की याद आती है, जब वो अपने भाई के साथ खेल रही थी और उसके भाई ने उसे एक मास्क गिफ्ट में दिया था। लेकिन कुछ वक्त बाद एमराल्ड एम्परर के गार्ड रूथलेस एम्परर के भाई को अपने साथ ले गए थे, जिससे वो बहुत उदास हो गई थी और जोर जोर से रो रही थी। इन सब बातों को याद करके रूथलेस एम्परर काफी इमोशनल हो जाती है। वो बहुत सारे मीटियोर से ड्रैगन पैलेस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन पैलेस और इमोर्टल फर्नेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। रूथलेस एम्परर अपने भाई को याद करते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, भले ही करोड़ों साल हो जाए या मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं हमेशा मॉर्टल रियल्म में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहते हुए वो रोने लगती है। फिर हम प्रेजेंट डे में ये फैन को देखते हैं। वो एम्परर हुआंग की इटर्नल मेडिसिन बुक पढ़कर सोचता है कि क्या एशियन सिविलाइजेशन सच में होती है। फैन ये सब सोच रहा था, तभी उसे अपने क्लासमेट का मैसेज आता है, जिसमें वो क्लास रियूनियन के बारे में कह रहा था। इससे फैन काफी खुश होता है और अपनी कार लेकर अपने क्लासमेट्स से मिलने के लिए चला जाता है। वो कार में न्यूज भी सुन रहा था। न्यूज रिपोर्टर कहती है कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा और बारिश होने की भी संभावना है, इसलिए सिटी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर फैन उस न्यूज
मुझ पर ध्यान नहीं देता और अपने दोस्तों से मिलने के लिए होटल में आ जाता है। उसका क्लासमेट जांग वेंग चांग भी वहाँ आ जाता है और फेन की कार देखकर वो बहुत खुश होता है। चेंग ओंग और चांग किंग दोनों स्टूडेंट्स लियो यून जी की बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो काफी अमीर था। लिन जिया भी यून जी के पास आकर उसकी तारीफ करने लगती है। फेन वहाँ आ जाता है, उसे देखकर लिन जिया उसके पास चली जाती है क्योंकि वो क्लास मॉनिटर था। इससे यून जी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो फेन को पसंद नहीं करता था। वो फेन से कहता है कि मैंने सुना है कि ली जियो मान ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम स्कूल में काफी अच्छी हो पर असल दुनिया में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन फेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इतने में वेन चांग वहाँ जाता है। वो फेन से पूछता है कि क्या बाहर जो मर्सिडीज कार खड़ी है जो तुम्हारी है? ये बात सुनकर यून जी हंसने लग जाता है। वह फेन को टोंट मारते हुए कहता है कि कुछ लोग क्लास रियूनियन में दिखावा करने के लिए महंगी कार रेंट पर ले लेते हैं जबकि उनके खुद के पास कुछ नहीं होता। फेन उसकी बातें समझ जाता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। जियो मान भी अपने फॉरेनर दोस्त केट के साथ वहाँ जाती है। केट काफी अच्छी तरह से चाइनीज बोल रहा था जिससे सब खुश हो जाते हैं और बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हम स्पेस का सीन देखते हैं। चाइनीज स्पेस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए दो एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन से बाहर आकर उसे रिपेयर करने लगते हैं। नाइन ड्रैगन्स एक रूथलेस एम्परर का टॉम्ब को लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन ड्रैगन्स को देखकर दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैरान हो जाते हैं। वो कुछ सोचे समझे उससे पहले एशियन टॉम उनके स्पेस स्टेशन के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से उनका पूरा स्पेस स्टेशन बर्बाद हो जाता है। एक एस्ट्रोनॉट कंट्रोल रूम को इस अटैक की खबर देता है पर कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन टूट गया था और वो खुद भी अपने साथी से अलग हो जाता है। दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में अलग हो जाते हैं। नाइन ड्रैगन्स रूथलेस एम्परर की टॉम्ब लेकर अर्थ की तरफ चले जाते हैं। फिर हम फेन और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो सब खुशी से क्लास रियूनियन की पार्टी कर रहे थे। न्यूज में फिर से बारिश को लेकर रेड अलर्ट था जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। जोई कहता है कि बारिश काफी तेज हो गई है, बेहतर होगा कि हम सब जल्दी अपने घर चले जाएं। फेन कहता है कि तुम सही कह रहे हो पर अभी सारे रोड पानी में डूब गए हैं तो हम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कुछ वक्त यहीं रुककर वेट करते हैं। जैसे ही बारिश कम होगी हम सब अपने घर चले जाएंगे। ये बात सुनकर यूनजी फेन से कहता है कि मुझे पता था कि तुमने वो कार रेंट पर ली है इसीलिए तुम उसे बारिश में नहीं चला रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर कार को कुछ हो गया तो तुम उसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। फेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। यूनजी लिन जिया से कहता है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो मैं तुम्हें अपनी कार में घर छोड़ सकता हूँ, तुम्हें फेन के साथ रुकने की जरूरत नहीं है। लिन जिया फेन की तरफ देखने लगती है तो फेन उसे यूनजी के साथ जाने के लिए कह देता है जिससे वो खुश हो जाती है। चांग किंग यूनजी से पूछता है कि क्या मैं और मेरे दोस्त भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं, तुम हमें हमारे घर छोड़ देना। यूनजी इसके लिए मान जाता है जिससे चांग किंग और उसके साथी खुश हो जाते हैं। वो सब यूनजी के साथ वहाँ से चले जाते हैं मगर बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और पूरे रोड पर पानी भर गया था जिसकी वजह से यूनजी की कार रास्ते में फंस जाती है और पानी की वजह से उसके डोर्स और विंडोज भी लॉक हो जाती है। धीरे धीरे कार के अंदर पानी भरने लगता है जिससे यूनजी और उसके साथी घबरा जाते हैं। अचानक सिटी के पास का डैम भी टूट जाता है जिसकी वजह से उसका सारा पानी सिटी के अंदर आ जाता है जिससे यूनजी की कार भी पानी के अंदर डूबने लगती है। इससे वो सब घबरा जाते हैं और डोर खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी की वजह से डोर लॉक हो गए थे और वो विंडो भी तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी फेन अपने दोस्तों के साथ योट को लेकर वहाँ आता है और यूनजी की कार के ऊपर से योट को जंप कराकर आगे चला जाता है। वो उन्हें लेने के लिए वापस आता है। फेन एक आयरन रोड की मदद से जी की कार की विंडशील्ड को तोड़ देता है। लिन जिया फेन से पूछती है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी योट कहाँ से लेकर आ गए? फेन के पास योट देखकर यूनजी भी हैरान हो जाते हैं। फेन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उन सबको योट पर बुलाता है। यूनजी और उसके साथी योट पर आ जाते हैं। फेन योट को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है पर उनके सामने एक वाटर टोर्नेडो आ जाता है। फेन योट को उसके साइड से लेकर जाता है पर आगे जाकर उनके सामने बहुत सारे टोर्नेडो आ जाते हैं। फेन उन टोर्नेडो से बचने की कोशिश करता है पर उसकी योट एक टोर्नेडो में फंस जाती है जिसकी वजह से वो ऊपर जाने लगते हैं और टोर्नेडो के रोटेशन की वजह से उसकी
योट दो चट्टानों के बीच जाकर फंस जाती है और योट पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। इसकी वजह से फेन और उसके सारे साथी बेहोश हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद बारिश बंद हो जाती है और मौसम भी ठीक हो जाता है। फेन और उसके साथियों को भी होश आ जाता है। वो सब योट से बाहर आते हैं। वो सब हिल पर चढ़कर एक रोड पर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ सीढ़ियाँ मिलती है। उन सीढ़ियों को चढ़कर वो सब माउंट ताई पर पहुँच जाते हैं। वो जगह क्लाउड से भी ऊपर थी और क्लाउड की वजह से जमीन नहीं दिख रही थी, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। केट पूछता है कि हम सब कहाँ गए हैं। जियोमान बताती है कि हम इस वक्त माउंट ताई के जेट एम्परर पीक पर है। एक स्टूडेंट पूछता है कि हमारी पूरी सिटी पानी में डूब गई थी तो आखिरकार इस जगह को कुछ क्यों नहीं हुआ। फेन कहता है कि माउंट ताई कोई नॉर्मल जगह नहीं है, यहाँ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अचानक 9 ड्रेगन रूथलेस एम्परर की टॉम को लेकर उनकी तरफ आते हैं। उन ड्रेगन को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ड्रेगन तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर फेन घबरा जाता है। वो कहता है कि ये सारे ड्रेगन तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये बात सुनकर वो सब वहाँ से दूर भागने लगते हैं, लेकिन तभी 9 ड्रेगन टॉम को लेकर माउंट ताई से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।